अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से हमेशा की तरह यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी अपने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और आप जहाँ रहें बिल्कुल खुश रहें और शाद रहें, आबाद रहें। इसी खूबसूरत दुआ के साथ आपको वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल लवली स्वीट होम चैनल में। और लवली स्वीट होम चैनल के किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट डिश। स्वीट डिश मेरा ख्याल में सबकी ही मोस्ट फेवरेट होती है, तो हमारे किचन में भी आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट डिश जो कि है खीर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं खीर। लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया हुआ था कि अब्बू जी आए हुए हैं, तो अब्बू जी की जो है वो स्वीट डिशेज माशाल्लाह से सारी ही उनको बहुत पसंद है। तो अब आज जो अब्बू जी के लिए ही मैं स्पेशल ये खीर बनाने जा रही हूँ, तो यूं समझ ले कि आज की जो है ये रेसिपी वो अब्बू जी के नाम, ठीक है। तो अब्बू जी के नाम पे फिर वीडियो को लाइक भी बनता है और शेयर भी बनता है। तो यहाँ से आज हम अपने स्पेशल अब्बू जी के लिए स्पेशल जो है वो स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं खीर। और खीर बनाने के लिए जो जो चीजें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको मैं एक मरतबा फिर से नोट करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए शुगर मैंने टेस्ट के हिसाब से ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ज्यादा तीखा जो है वो मीठा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैं नॉर्मल सी शुगर रखूंगी। और इस कटोरी में है मेरे पास तकरीबन दो खाने के चम्मच नारियल का पाउडर, और ये कटोरी में मेरे पास है एक चम्मच के करीब, थोड़ा सा मैंने इसको चॉपर में जो है वो चॉप कर लिया, ये एक चम्मच के करीब मेरे पास है एलमंड। और इस कटोरी में मेरे पास मौजूद है दो खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर अगर तो आपके पास मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी ये खीर बहुत मजे की बनेगी। और मैंने खीर बनाने के लिए तकरीबन फुल फैट जो है 2.5 लीटर जो है वो फुल फैट मिल्क लिया है, जिसको मैंने फ्लेम ऑन करके तो पकने के लिए रखा हुआ ताकि वो हल्की आंच पे पकता रहे। उसमें से मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया था, उसमें मैंने ये वाले तकरीबन 4 खाने के चम्मच फुल भर के जो है चावलों के भिगोए हुए, ये देख सकते हैं आप, ये चावल है मेरे पास, ये देखें करीब से मैं आपको दिखा दूं, ये तकरीबन मैंने 4 से 5 घंटे पहले जो चावल है इसे दूध के अंदर ऐसे भिगो दिए थे। आप चाहे तो पानी के अंदर भी इनको भिगो सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट ये है कि आप इनको दूध के अंदर ही भिगोइएगा। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं इस दूध के अंदर चावलों को मिक्स किए हुए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, इनको हम ग्राइंड करेंगे। और इस खीर का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है रस, ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 अदर जो है वो रस मैंने लेके उनको छोटे छोटे ऐसे पीसेज में डिवाइड कर लिया है, ये देखें आप, ठीक है। इसमें जो है वो रस जरूर ऐड करिएगा, इससे जो खीर का टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ सा और क्रीमी सा आएगा। तो चले चलते हैं जी, सबसे पहले हम एक जग लेंगे, ये सारी चीजें हम साइड पे हटा देंगे और एक जग ले लेंगे, ये देख सकते हैं आप जग। जग में मैं ये वाला मिक्सचर जिसमें दूध और चावल शामिल है ये ऐड करते हैं। यहाँ जी जग के अंदर मैंने दूध और चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसी पैन में हम इसमें ऐड करेंगे रस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रस भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, इनको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से ताकि ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए, दूध में अच्छे तरीके से इनको ऐसे सॉफ्ट कर लेंगे, ये देखें आप, ठीक है। दूध में मैंने चावलों का मिक्सचर जो मैंने आपको बताए थे चावल दूध और रस जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब हमने सिंपली इनको ग्राइंड करना है अच्छे तरीके से, इनका एक समोसा जो है वो बैटर रेडी कर लेना है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर हमने नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। यहाँ जी दूध के अंदर मैंने जो चावल भिगोए हुए थे उन चावलों को और रस जो इसमें ऐड किए हैं उनको अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, एक समोसा बैटर हमारे पास रेडी है, ये देखें आप, ठीक है, अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं हमारे रस और चावल। तो चलें जी अब हम जो है वो खीर को बनाना स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने दूध को पकने के लिए रखा हुआ है और ये तकरीबन 2.5 लीटर जो है वो फुल फैट क्रीम मिल्क है, इसको मैंने ऐसे पकने के लिए रख दिया था स्लो सी आंच पे ताकि इसमें बॉयल अच्छे तरीके से आ जाए। पहले से भी मैंने इसको बॉयल कर लिया था, तो यहाँ पे इसमें बॉयल आना जो है वो जो बॉयल ये हो चुका है। इसमें हम इसी पॉइंट में
ग्राइंड किए हुए चावल और रस का जो मिक्सचर है वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे, हल्के हल्के हाथों से मिक्स करिएगा। दूध में मैंने चावल और रस का मिक्सचर जो है वो ऐड कर दिया है। अब हमने मुसलसल इसको हल्के आंच पे ऐसे मुसलसल पकाते जाना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि हमारी जो खीर है वो नीचे ना लगे। कम से कम हमने इसको इतना टाइम देना है कि जो हमारा दूध है वो थिक हो जाए और ये नॉर्मल से जो है वो जो हमारी खीर है वो रेडी हो जाए। हमने बहुत ज्यादा दूध को सख्त भी नहीं करना, नॉर्मल सा रखना है ताकि ये ठंडी होने के बाद अपने नॉर्मल जो है वो कंसिस्टेंसी में रहे। तो यहाँ पे मैंने जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो सी रखी हुई है, लो टू मीडियम स्लो जो फ्लेम है इस पे हम खीर है इसको कुक करेंगे। तो चलें जी, अब हम दूध में जब दोबारा से बॉयल आएगा फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ जी दूध को दोबारा से बॉयल आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। इसको मैंने मुसलसल ऐसे चम्मच की मदद से हल्की सी आंच पे ऐसे पकाया है ताकि जो हमारे चावल और रस है वो नीचे ना लगे, और हाई फ्लेम आपने हरगिज भी नहीं करनी ताकि चावल अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इसी पॉइंट में हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारियल का बुरादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रश किए हुए आलमंड। और मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा ताकि लम्प्स ना बने। मैं इस खीर को तकरीबन 4 से 5 मरतबा जो है घर में बना चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मजे की खीर बनती है। आपने भी इस खीर को जरूर ट्राई करना है जब आपके घर कोई गेस्ट वगैरह आए, या आप अपने घर में भी इसको जरूर बनाए। बहुत मजेदार ये खीर माशाल्लाह से बनती है। चलेंगे यहाँ पे हमने इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे जो है अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों के साथ ताकि जो मिल्क पाउडर इसमें ऐड किया है उसके जो लम्स है वो ना बने। इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायची भी मैंने दूध पकने के दौरान ऐड कर दी थी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तमाम जो है वो अज़ा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं खीर के अंदर। तो चलें जी, अब हम इसको मुसलसल हल्की आंच पे पकने देते हैं और जब ये अपनी क्वांटिटी से थोड़े कम रह जाएगी और थोड़ी सी थिक हो जाएगी फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे जी तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मुसलसल खीर को पकाते हुए। मैंने इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे कुक किया है और हमारी जो खीर है वो अपनी क्वांटिटी से काफी हद तक जो है वो कम हो चुकी है और थिक भी हो चुकी है, यानी कि जितनी मुझे ये चाहिए ये उसी फॉर्म में आ गई है। क्योंकि इसको हमने ठंडा भी करना है और ये ठंडा होने के बाद भी थिक होगी, तो इसलिए इसको ज्यादा हमने जो है वो कुक नहीं करना ज्यादा, वरना ये वो फिर वो ज्यादा थिक जो खीर है वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जी यहाँ इसी पॉइंट में हम इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ करेंगे और इसको अब हम रूम टेम्परेचर पे लाने का जो है वो वेट करेंगे। खीर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत परफेक्टली जो है वो डन हो चुकी है और मैं आपको होनेस्टली बता रही हूँ बिना चखे कि ये खीर बहुत ही मजे की रेडी हुई है। तो आपने मेरे कहने पे ये खीर को जरूर ट्राई करना है। तो चलें जी, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, खीर हमारी रेडी है। इसको तकरीबन हम रूम टेम्परेचर पे लाने का वेट करेंगे। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएगी इसको डिश आउट करेंगे, फिर आपके साथ इसके जो है वो फाइनल और लास्ट लुक जो है वो शेयर करेंगे। और यहाँ पे जी हमारी जब खीर रूम टेम्परेचर पे आ गई थी तो उसके बाद ऐसे मैंने एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया था। अब ये बिल्कुल माशाल्लाह से हमारी जो खीर है सर्व करने के लिए रेडी है और इसको मैंने ऐसे एलिमेंट्स के साथ जो है वो डेकोरेट कर दिया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के रहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।